हाँ जी दोस्तों, स्वागत है थोड़ा सारे का अपने चैनल पर अमन स्टडी टिप्स से। तो दोस्तों, नौवीं क्लास जो पंजाबी ए का दोस्तों फाइनल मार्च 2023 का पेपर होना है। दोस्तों अज की वीडियो आप दोस्तों थोड़े नाल सैंपल पेपर करवावे फुल सॉल्वड। ये दोस्तों कोई रियल पेपर नहीं है, बस जोड़ा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस होने वाले ने। इन्हों पेपर च बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जोड़े आएंगे, या फिर इस करके दोस्तों वीडियो एंड तक ध्यान देखते रहना। आप बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यह रियल पेपर है, यह रियल पेपर है। नहीं जी, यह कोई रियल पेपर नहीं है, यह बस एक सैंपल पेपर है इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला। बाकी इस तरह थोड़ा सारा पेपर का पैटर्न आएगा, इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जोड़े आ सकते हैं। इस करके इन्होंने एक बार रिवाइज करके या फिर याद करके जरूर जाना जिसमें थोड़ा यह पेपर है। और दोस्तों वीडियो स्किप करके जो भी ना जाए वीडियो एंड तक ध्यान देखते रहो, ना दी याद कर लेना थोड़ा पेपर है जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला। हाँ जी मित्रों, जिमें कि तुम देख सकते हो पेपर थोड़ा 65 मार्क्स का आएगा, 3 घंटे का टाइम होगा। जिमें कि तुम अपने पार्ट 1 में करवाया इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उस तरह ये अपन कमेंट आ रहे थे बहुत सारे कि पार्ट 2 भी लैके आओ सर, जल्दी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सानू होर चाहिए ने। इसलिए दोस्तों आप होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। तो सब पहला प्रश्न आ जाऊगा तो वे सुंदर लिखाई देने 5 नंबर मिल जाएंगे। दूजा प्रश्न है, सारे प्रश्न करने लाजमी हैं, ठीक है। इस विच दूजा प्रश्न टोटल वे आ जाऊगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि दोस्तों एक वाक या फिर एक लाइना वाले क्वेश्चन आंसर समझ लो। पहला प्रश्न है, झूठे गहने कौन वेच रहा सी। झूठे गहने दोस्तों कौन वेच रहा सी, वणजारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वहिंदा जाए कविता का लेखक कौन है। वहिंदा जाए कविता का लेखक कौन है दोस्तों, धनी राम चारतिक। क्योंकि दोस्तों इस विच तुहाडे पेपर च कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसी मिनट में कर दोगे, क्योंकि तुहानू आप रिवाइज करवा रहे हैं। तीजा प्रश्न है, गली विच लेख विच किहड़े शहर की गली का जिक्र किया है। गली विच लेखक ने, ठीक है, किस गली का जिक्र किया है, अमृतसर की गली का, ठीक है। अगला प्रश्न है, किन्ने साल तो वध उम्र वाले की समाध नहीं सी। हाँ जी दोस्तों, 5 साल तो वध उम्र वाले की। अगला क्वेश्चन है, ज्योति किस गल करके मंत्री दे हार पाउण लई चुनिया गया सी। हाँ जी दोस्तों, क्यों, लायक होण करके, ठीक है, तां करके चुनिया गया सी, क्योंकि लायक सी हार पाउण दे। अगला है, बसीरे ने स्कूले आना क्यों छड दिता सी। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि वह जिहड़ा माझे चारन जांदा सी तां करके उन्हें स्कूल जाना छड़ दिता सी। अगला है, किशन देवी शरण सिंह तो मकान बदले किन्ने पैसे मंगती सी। 50,000 मंगती सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुरदर्शन किशन देवी का की लगता सी। की लगता सी दोस्तों, पुत्र लगता सी। अगला प्रश्न है, बंते दी किन्नियां भैणां सी दोस्तों, 3 भैणां सीगियां, ठीक है। बंते नूं मां दी केड़ी बीमारी करके उसका फिक्र सी। केड़ी बीमारी करके उसनों अपनी माँ का फिक्र सी दोस्तों, अखां दी नज़र घटन कारण, ठीक है। इस तों अगला प्रश्न है, हेठ लिखे कावी सत्रां विच्चों 2 दी प्रसंग साहित व्याख्या करनी है। हाँ जी दोस्तों, इस विच जिवें कि पहला हैगा, राही वास्ते घट समय ने एक ना मन्नी, ठीक है। फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, ठीक है। इसलिए आपां पहला प्रसंग करते हैं दोस्तों। यह कावि टोटा नौवीं जमात की पंजाबी पुस्तक साहित्यमाला विच दर्ज भाई वीर सिंह की कविता, ठीक है, समा विच्चों लंघ गया है। इस विच भाई साहब ने समय दे सदा चलदे रहन वाले सुभा नूं बयान करते हुए लिखते हैं कि समय नूं किसी भी तरह रोकया नहीं जा सकता, यह अपनी चाल चलता रहिंदा है। इस तों इहदी व्याख्या करते हैं, भाई साहब इस्त्री रूप विच लिखते हैं कि मैं समय नूं रोकण लई उस अगे तरले मिन्ता करके थक गई हाँ अते ओह चुक जावे, पर ओह जिहड़ा रुकदा नहीं है समा, ठीक है, पर समय ने मेरी कोई भी गल नहीं मन्नी, उस नूं रोकण लई मैं उस दे पल्ले तों फड़ के अपने वल खिंचया, पर वह पल्ला चढ़ा के चला गया। मैं कोई भी हीला वरत के उसनू रोक ना सकी, मैं उसनू रोकने लई उसके रास्ते विच जिहड़ी भी रुकावट पाई वह उसनू भन तोड़ के अंगे लंघ गया। वह अपनी तिखी चाल नाल मेरिया सारिया रुकावटां नू चीरदा होया चला गया। मनुख कोई भी हीला वरत के समय नू अपने काबू विच नहीं रख सकता, समा बहुत तेज़ रफ्तार नाल लंघदा है, ठीक है। इस लई सानू वर्तमान समय विच जां फिर वर्तमान समय दा सदुपयोग करके उसनू सफल बनाउणा चाहीदा है।
ठीक है। इस तो अगे अपने सैकेंड है दोस्तों आना जाना फोटो पाना तुरिया रहना औख ना लाना। ठीक है, यदि आप करते हैं हम प्रसंग ते व्याख्या। यह कवि टोटा नौवीं जमात की पंजाबी की पुस्तक साहित्यमाला दर्ज धनी राम चारतिक द्वारा लिखी हुई कविता वैंदा जाए विच्चों लिया गया है। इन्हां लाइनां विच कवि दसदा है कि समुद्र विच पानी का आना जाना लग्या रहिंदा है ते कुदरत दे हुकम विच इह पानी का चक्कर चलता रहिंदा है। यदि व्याख्या करदे हां कवि कहिंदा है कि पानी का कम पहाड़ों तो समुद्र वल वधना ते गर्मी नाल भाफ बन के फिर बदलों के राही वर्खा के रूप में पहाड़ों ते पहुँचता है। ठीक है, यह आना जाने का जिहड़ा वार वार चलता रहिंदा है वह आराम नहीं कर सकता ते अपने मालक के हुक्म विच बजे फुहारे वांग कुदरत दे हुक्म विच चढ़दा अते लैंदा रहिंदा है। इस तरह नदी का पानी वहिंदा जांदा है, इस तरह का हाल ही मनुख जीवन का हुंदा है। इस तो अगे दोस्तों अगला हैगा पल्लवी भाग ईड़ी, ये तुसी दोनों दोस्तों आप कर लेने इंपोर्टेंट ने, तुहानू करवाए होणगे तुहाडी कापी विचों याद कर लेने इहनू इक वार देख के। इस तो अगे चौथा प्रश्न है कोई भी एक केंद्री भाव लिखना है टुकड़ी जग तो न्यारी जां फिर गलत फहमियां। आपां तुहानू दोस्तों गलत फहमियां ते करवा देने आ। बंदा अपनी शकल ताकत बुद्धि रंग जात पात अते धन दौलत संबंधी गलत फहमियां विच फस के कई प्रकार के दुख सहन करता है। जेकर हर कोई बंदा इन्हां गल्लां फहमियां हंकार ठीक है दुश्मनियां दा त्याग कर देवे तां फिर वह दुनिया भर के सुखां नूं माण कर सकता है अते संसार स्वर्ग बन सकता है। ठीक है, इस तो अगला प्रश्न है पंजवां कोई एक लेख का सार लिखना अपने 150 शब्दों में। हाँ जी मित्रों, ये तो उन्हें आप करना तो कापी विच्चों वड्डियां दा आदर जां फिर गली विच दोनों का लेख लिखना दोस्तों भी ये इन्हां विच भी की होया सी दो। ठीक है, ये कवितावां विच की होया सी ये तुसीं दोस्तों आप कर लियो। इस तो अगे छेवां प्रश्न है हेठ लिखे प्रश्नों विचों कोई दो दे प्रश्न लिखने ने। पहला हैगा गुरु नानक देव जी जयराम अते नवाब दौलत खान की वार्तालाप लिखो। इन्हां दी वार्तालाप लिखनी है। जयराम ने नवाब दौलत खान कोल जाके बेनती की कि उसका साला उसनूं मिलना चाहुंदा है। आग्या मिलन ते जयराम गुरु नानक नूं उस कोल लै गया। गुरु जी उसनूं कुछ नजराना लै के मिले। जयराम तो गुरु जी का नाम पूछण मगरों खान ने कहा कि वह उसनूं दयांतदार नज़र आउंदा है, इसलिए उसनूं मोदीखाने का काम सौंप देवे। गुरु नानक जी खुश होए अते खाना खान दे सिरों पाओ दिता। ठीक है, इस तो अगे दोस्तों अगला हैगा मतलब दूजा पांडा भोलियां भालियां औरतों किवें अगला के लुटदा सी। किवें लुटदा सी दोस्तों भोली भालियां औरतों नूं? पांडा हाथ विच पत्री फड़ के आउंदा है ते भोली भोलियां औरतों नूं लुटन लई खुशामदी भरपूर शब्दां नाल इस्त्रियां दा ध्यान अपने वल खिंचदा है। फिर उह उहनां दे हत्थां दीआं रेखावां देखदा है। इस तरां ते किस्मत बारे मनगटंत भविखबाणियां करदा होया उसनूं उहनां दे पुत्तर दे विआह बारे किसी नूं गवांढी दे दगे बारे किसी नूं भरा दी आई बारे ठीक है अते किसी नूं किस्मत विच धन दे होण बारे दसदा है ते उहनां तों छापा छल्ले कपड़े ते चांदी लै के अपना राह फड़दा है। इस तरह लुटदा सी दोस्तों। अगला प्रश्न है पाठ विच किहड़े किहड़े व्यक्तियों नूं वड्डे मन्निया गया है। किन्हां नूं पाठ विच वड्डे कई प्रकार दे मन्ने गए हैं जिवें कि साक विच वड्डे उम्र विच वड्डे ठीक है विद्या विच वड्डे गुण विच वड्डे ते पदवी विच वड्डे। इस तो अगला प्रश्न है समय दा की अर्थ है ते समय तो की भाव है। लेखक किसे समय नूं सार्थक समझदा है किस समय नूं। ठीक है, ये तुसीं आप करना दोस्तों। इस तो अगे आ जो सातवां प्रश्न किसी एक कहानी का सार लिखना अपने 150 शब्दों में या तो बशीरे या फिर कलो। आप तुहानू कलो का करवा देने ये सारा तुसी देख सकते हो। इस तरह जिहड़ा लिखा हुआ ये सारा केंद्रीय भाव है अपना सार है ये सारा तुसी देख सकते हो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला सार ये दोस्तों याद कर लियो। अगला हैगा अठवां पलवे क्वेश्चन हेठ दिए प्रश्नों चो किसी दो दे प्रश्न उत्तर देने आपने। हाँ जी दोस्तों, पहला हैगा लेखक नूं अपना नावल लिखण समय कि औकड़ां आउंदियां सी। ठीक है, कलो ने लेखक नूं कि सौगात भेट की। कलो ने लेखक नूं अंबां दी टोकरी संगीत वजों भेंट की सी। ओह यह अंब लेखक दी पत्नी लई भेजना चाहुंदी सी।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल खेड रहे बशीरे नूं देख के लेखक की महसूस करता सी? बशीरे दी फुटबॉल दी खेड दी प्रशंसा करदे लोकां नूं सुण के लेखक खुशी नाल महसूस करदा कि लोक कहानीकार दी तारीफां ही कर रहे हन। जिस दिन फुटबॉल दा मैच हुंदा है उस दिन वह अपने आप विच म्यौदा नहीं सी, ठीक है। इस तों अगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपने वे एक किसी एक पात्र चित्रण नूं लगभग 150 शब्दों विच लिखो। हाँ जी दोस्तों, ये अपने करना है किसी एक नूं अपन करा देना, तो चोपड़ा साहिब का पात्र चित्रण करवा देने। ये इस तरह करना दोस्तों, जान पछाण अगे भी की कुछ उसके बारे होया सी कहानी च, ठीक है। इस तों अगे जाफर बजुर्ग दे करना है, तुसीं आप कर लिओ कापी चों। अगला प्रश्न है, हेठ लिखे वार्तालाप विचों किसी एक वार्तालाप के प्रश्न के उत्तर देने ने। अपने आप पहले दे करवा देने उत्तर। सुखी सांदी मरन तेरे वैरी, इत्थे पुलिस नहीं आ सकती, घबरा ना जलंधर, हाथ मूँह धो के तोते तेरा वीरा दफ्तर चों आया है, तां तुहानू चाह बना के देईआं। ये दोस्तों, ये वार्तालाप किस एकांगी का है? यह आंसर है मनधारी एकांगी का, ठीक है। दूजा प्रश्न है, यह एकांगी किसकी रचना है? ईश्वर चंद्र नंदा दी, ठीक है। दोस्तों आंसर लिखे हुए हैं सारे, तुसीं देख सकते हो। तीजा प्रश्न है, यह शब्द किसने किसनूं कहे सीगे? ये शब्द राम प्यारी ने मदन नूं कहे सी। चौथा प्रश्न है, राम प्यारी मदन नूं किवें दिलासा दिंदी है? यह कह के कि इत्थे पुलिस नहीं आ सकती, इस तरह दिलासा दिंदी है। अगला प्रश्न है, वीरा कित्थों आउण वाला है ते उसके आउण ते की बनाउण दा विचार है? दफ्तर च आउण वाला है ते चाह बना के देई, ठीक है। चाह दा विचार है जां फिर चाह दा, ठीक है। इस तों अगे ऑप्शन विच हैगा, आपां नूं जोर नाल मुखां बाबा जी आ जे बाहर, फौजां शिवतां मर गई होई हैं, ठीक है, मैदाने जंग शांत है। ये दोस्तों तुसीं आप कर लिख के तुहानूं करवाती आपां ने। इस तों अगे अगे कोई तीन प्रश्न करने ने आपां ने। रिक्शा चालक दी मां कित्थे रहिंदी सी? उह उसदी देखभाल किवें करदी सी? संतो की माँ, बंते की माँ, इतने बंता आएगा, बंते की माँ उसकी पत्नी तारो नाल झगड़े पिछों पिंड विच रहिंदी सी। मंता बंता उसकी सेवा जरूर करता सी, ओहो उसकी देखभाल करता, उस दियां अखां दे ऑपरेशन बारे भी सोचता सी। दूजा प्रश्न, रिक्शे चालक दे किन्ने बच्चे सन? उन्हां पढ़ाई संबंधी उसके की विचार ने? रिक्शा चालक दे कुल तीन बच्चे सी, एक पुत्र ते दो धीआं। वह सारे बच्चों नूं खूब पढ़ाउणा चाहुंदा सी। उस दी इच्छा सी कि वह उसका पुत्र फूमन पढ़ के कोई वड्डा अफसर बने ते रिक्शा ना चलावे। वह अपनियां दोवें धीआं नूं भी फूमन जिन्ना ही पढ़ाउणा चाहुंदा सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, बंते ने पिंड क्यों छड़ दिता सी? बंता पिंड विच सरदारां दे कोल खेत मजदूर सी। एक दिन सरदारां दे मुंडे ने उसनूं कुट्टिया, तां बदले विच बंते ने भी उसदे दो चार टिका दित्तियां, जिस करके सारा पिंड उसदे मगर बह गया। उसदा दिल भी भर गया ते उसने पिंड छड़ दिता। अगला प्रश्न है अपना भी चौथा, बंता खेत मजदूर तो रिक्शा चालक किवें बनिया? पहला बंते ने सरदारां दे मुंडे नाल झगड़ा करके पिंड छड्डिया ते शहर आके एक दफ्तर विच चपड़ासी लग गया, ठीक है। वह साहब दे घर दे काम भी करता, पर एक दिन साहब दी पत्नी ने घर दे कपड़े धोण लई कहा तां उसने इनकार कर दिता, इस करके साहब उसते कड़किया, तां बंते ने यह काम भी छड़ दिता ते फिर वह रिक्शा चालक बन गया सी। नाल दी नाल दोस्तों याद कर लो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने, बंता अपनी पत्नी तो चाह की थां बैड टी की मंग क्यों करता है? यदा आंसर है, बंता अपनी पत्नी तो चाह की थां बैड टी की मंग इस करके करता है क्योंकि अज नवे साल का पहला दिन सी ते ओहो भी वड्डे लोकां वांग सवेरे उठदा ही बिस्तरे विच्चों बैठा चाह पीनी चाहुंदा सी, जिसनों वड्डे लोग बैड डी भी आखते हैं, इस करके वह बैड डी कहता सी। बारहवां प्रश्न है अपने, इस तों अगे हेठ लिखे वार्तालाप विच्चों किसी एक दी प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। कदों लियाएगा भरजाई नूं? खासा चिर हो गया हुण तां, ठीक है। इहदे आपां अगला प्रसंग करते हैं। यह शब्द नरिंजन तसनीम के नावल विच एक होर नवां साल दे दोपहर भाग विच्चों बंते ने दयाले नूं उदों कहा जदों कि पारे नाल झगड़े, ठीक है, मगरों वह अपने घरों निकल के उसके घर जाता है। तो व्याख्या करते हैं, आप
बंते नूं पता सी कि घर दी तंगी ते दयाले दी मार कुट करके उसकी पत्नी पेके गई हुई है। ओह उस नूं पुछदा है कि हुण तां उसकी पत्नी नूं पेके गया बहुत चिर हो गया है, ओह उस नूं कदों लैके आवेगा। इस तरह है जिहड़ी आपां ने करती दी प्रसंग साहित व्याख्या। अगला हैगा इन्हां नूं भी सैल करा दे, ठीक है, इसोगे यह कोई मतरेई तो नहीं। इहदा आपां कराने दोस्तों प्रसंग। यह शब्द निरंजन तसनीम के नावल एक होर नवा साल विच्चों दुपहर भाग विच्चों तारो ने बंते नूं उदों कहा सी जदों कि वह दोपहर पिछों घरों रिक्शा लैके समय फूमन नूं रिक्शा विच बिठा के उस नूं सैर करवाउण बारे कहिंदा है। तो व्याख्या करे आपां इहदी करिए, इत्थे दोस्तों सैर आवेगा, सैर करा दे, ठीक है, सैर करा दे। अते फिर अपना इहदी व्याख्या करदे आं, तारे ने बंतू नूं कहा सीगा कि वह इकले फूमन नूं नहीं क्यों सैर करवाउण लई ले जा रहा है, वह कुड़ियां नूं भी लै जावे नाल, ठीक है, क्योंकि वह भी उस दियां आपणियां ही धीआं ने। इस तो अगे दोस्तों ये थोड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला सैंपल पेपर है, पार्ट टू इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला कंप्लीट हो जाता है। बाकी दोस्तों तुहानू इस तरह के होर भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए ने, पार्ट थ्री आपां तुहाडे लैके आईए कि जां फिर नहीं, जल्दी कमेंट बॉक्स में दसो। होर इंपोर्टेंट नाल दी नाल क्वेश्चन याद करने ने तुहाने इंपोर्टेंट वेरी वेरी, तो जल्दी कमेंट दसो पार्ट थ्री, फिर आपां तुहाडे लई जल्द लैके आवेंगे। जे तुसीं कमेंट करोगे तो वीडियो नूं कर दो एक लाइक, तो शेयर कर दो वध तों वध दोस्तों, तां कि सब नूं जिहड़े ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने पता लग जाण, रिवीजन पेपर की वधिया हो जाए। बाकी दोस्तों जो थोड़ा पेपर होंगे ये रियल नहीं होंगे दोस्तों, एक तरह सैंपल पेपर समझ लो, इस तरह थोड़ा पेपर का पैटर्न आता हों। बाकी इस विचों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जोड़े कोई कोई आ भी जाते हैं, ठीक है, इस करके वीडियो कर दो शेयर, चैनल के नवे आए हो चैनल कर लो सबसक्राइब, ना लगी बैल आइकन ऑल नोटिफिकेशन से सैट कर दो, क्योंकि क्योंकि दोस्तों जो थोड़े पेपर हो रहे हैं सारे तैयारी तुम अपने चैनल पर करवावे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने टैलीग्राम से दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लियो, लिंक डिस्क्रिप्शन से अपने टैलीग्राम चैनल का। टैलीग्राम से तुम सब तो पहले अपने चैनल बारे अपडेट्स मिलते रह करनगियां, PSC रिलेटेड पंजाब स्कूलों बारे। बाकी तुम्हें कोई डाउट होंगे अपन इंस्टाग्राम से मैसेज करके पूछ सकते हो, अपनी रियल इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन है। थैंक्स, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर दसना भी तुम्हें इसका पार्ट थ्री चाहिए कि जा फिर नहीं। धन्यवाद।